बेटा देखिए, ये क्लास 12th का एक चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये चैप्टर जो है इसमें इम्यूनोलॉजी पढ़नी है, पैथोलॉजी पढ़नी है, दो बड़ी डिजीज पढ़नी है, कैंसर और एड्स पढ़नी है, ड्रग्स पढ़नी है, एल्कोहल अब्यूज पढ़ना, ये सारे इसके कंटेंट हैं। अभी तक के नीट के इतिहास में ये 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी ये चैप्टर लेके आता है, और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इसको समझ गए तो एक खास बात है इस चैप्टर की, ये लाइन टू लाइन आता है। वैसे भी नीट पिछले 2 सालों से जो नीट के एग्जाम हैं आप लगातार देखिए तो वो लाइन टू लाइन ही आ रहे हैं। तो आइए देखा जाए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, हेल्थ क्या है। जैसा चैप्टर में अगर आप देखें तो पहले ह्यूमन हेल्थ लिखा है, फिर डिजीज लिखी है। तो पहले हम लोग हेल्थ देख लेते हैं, फिर डिजीज देख लेते हैं। आइए देखा जाए हेल्थ क्या है। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले इस चैप्टर में नाम आता है, ये देखिए हिप्पोक्रेट्स का नाम आता है। ये देखिए सबसे पहले इनका नाम आता है हिप्पोक्रेट्स का, ये इस चैप्टर में सबसे पहले एंट्री करते हैं। हिप्पोक्रेट्स के बारे में सबसे पहले आप ये बात जान लें कि इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ये सबसे पहले आपको ये बात समझना है कि इस महान आदमी को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ग्रीक फिलासफर है ये, ग्रीक में पाए जाते, ग्रीक में थे ये, मतलब ग्रीक के थे। और इन्होंने जैसे आजकल मेडिकल कॉलेजेस हैं, ऐसे इन्होंने भी अपने मेडिकल कॉलेज खोल रखा था। नाम तो मेडिकल कॉलेज का नहीं था, लेकिन अपने घर में ये बच्चों को डॉक्टरी की ट्रेनिंग दिया करते थे, एजुकेशन दिया करते थे। इन्होंने सबसे पहले हेल्थ की डिफिनीशन बोली, इन्होंने सबसे पहले हेल्थ को एक्सप्लेन किया। हेल्थ में इन्होंने कहा कि अगर हेल्थ की आप डिफिनीशन देखें तो इन्होंने लिखा हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर इट इज बैलेंस्ड बाय सर्टेन ह्यूमर्स। ये देखिए इन्होंने कहा कि हेल्थ जो है वो स्टेट सर्टेन ह्यूमर्स। ये देखिए सबसे पहले आप हेल्थ की अगर डिफिनेशन देखते हैं, इन्होंने तो लिखा हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। हेल्थ क्या है, बॉडी की एक स्टेट है और माइंड की भी एक स्टेट है। वेयर इट इज बैलेंस्ड बाय सर्टेन ह्यूमर, इसका जो बैलेंस है कुछ खास तरह के ह्यूमर इसको बैलेंस करते हैं। पहले ये लग का पता करना पाना बहुत ही कठिन था कि कौन सा व्यक्ति हेल्दी है और कौन सा व्यक्ति अनहेल्दी है, नॉन हेल्दी है, जिसको इन्फेक्शन है। तो इन्होंने डिफिनीशन दी कि हेल्थ क्या है, स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड है, जो कुछ खास तरह के ह्यूमर से अब जो है बैलेंस होता है। तो आखिर वो कौन कौन से ह्यूमर हैं, इन्होंने कहा ये जो ह्यूमर है ये 4 तरह के ह्यूमर हैं जो इसको बैलेंस करते हैं। अगर आप देखें तो ये 4 तरह के ह्यूमर हैं जो इसे बैलेंस करते हैं। इन ह्यूमर्स के अगर आप नाम देखें तो ये ह्यूमर्स के नाम इन्होंने रखे। देखिए भाई ये जो ह्यूमर्स हैं, एक का नाम फ्लेम है, ये पहला ह्यूमर है, फ्लेम है ये पहला ह्यूमर है। दूसरा है येलो बाइल, ये दूसरा ह्यूमर है, येलो बाइल है। तीसरा एनीमिया है, तीसरा ब्लड है और चौथा ब्लैक बाइल है। अब आप ये समझे कि ये 4 तरह के ह्यूमर इन्होंने एक्सप्लेन किए, आपकी एनसीईआरटी ने केवल ब्लैक बाइल की बात की है। मतलब आप ये समझिए कि ये 4 चीजें हमारी बॉडी में हैं, ये जो 4 तरह के ह्यूमर्स हैं अगर ये बैलेंस हैं, ये सब रेशनल है, अगर सबका सिक्रीशन नॉर्मल है तो बॉडी को डिजीज नहीं है, बॉडी नॉर्मल है। अगर ये 4 ह्यूमर है, क्योंकि आपने लिखा है बैलेंस बाई सर्टेन ह्यूमर्स, ये देखिए तो ब्लड फ्लेम येलो बाइल ब्लैक बाइल अगर 4 बॉडी में एज यूजुअल नॉर्मल रिलीज हो रहे हैं तो हम जो है हेल्दी हैं, हमें कोई इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन अगर इसमें जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी व्यक्ति में ब्लड की कमी हो जाए, ब्लड मतलब ब्लड की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो आप उसे क्या कहते हैं, आप जनरल लैंग्वेज में कहते हैं कि इस व्यक्ति को एनीमिया हो गया है, आप यही बात कहते हैं, इस व्यक्ति को एनीमिया हो गई है, यही कहते हैं ना। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये 4 जो है ये ह्यूमर्स हैं
ये ह्यूमर्स जो हैं हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं। अगर ये चारे ह्यूमर्स संतुलित फॉर्म में मतलब बैलेंस रिलीज होते हैं तो इसका मतलब हम बैलेंस्ड हैं और हम हेल्दी हैं। दूसरा देखें, दिस कॉन्सेप्ट वाज सपोर्टेड बाई ये देखें इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम। दिस कॉन्सेप्ट वाज सपोर्टेड बाई इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम। इस कॉन्सेप्ट को जो मैं आपको ऊपर पढ़ा रहा हूँ इसे हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम में ने सपोर्ट भी किया, ये भी समझना है आपको। ये एनसीईआरटी भी कहती है कि ये जो आप पढ़ रहे कॉन्सेप्ट हिपोक्रेट्स का, इस कॉन्सेप्ट को इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ने भी सपोर्ट किया। हमें कहना चाहते हैं आपसे, इन्होंने एक बात और कही कि अगर आप सोचिए इनमें बैलेंस बिगड़ जाए, मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे ब्लैक बाइल क्या है, तो ब्लैक बाइल क्या है, अगर आपको ब्लैक बाइल क्लियर करना हो तो ब्लैक बाइल क्या है पहले आप ये समझ लें। ब्लैक बाइल क्या है, अ काइंड ऑफ ह्यूमर सिक्रेटेड एक्सेसिवली बाय स्प्लीन एंड किडनी। स्प्लीन और किडनी से सिक्रेट करती है इस ब्लैक बाइल को, और इस ब्लैक बाइल के यहां पर देखिए लिखा है एक्सेसिवली, मतलब ज्यादा सिक्रेट होने से। अगर ये ब्लैक बाइल ज्यादा सिक्रेट होता है तो देखिए ऐसे पर्सन जो होते हैं वो हॉट पर्सनालिटी के होते हैं और उनका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई होता है। ये देखिए, मतलब ब्लैक बाइल एक खास तरह का ह्यूमर है हमारी बॉडी में, ये हमारे हिसाब से नहीं है, ये हिपोक्रेट्स के हिसाब से है। ब्लैक बाइल एक तरह का ह्यूमर है हमारी बॉडी में। अगर इस ब्लैक बाइल का सिक्रीशन किसी व्यक्ति में ज्यादा हो जाए, क्योंकि आपने यहाँ बैलेंस लिखा है, अगर इन चारों का सिक्रीशन नॉर्मल होगा तो हम हेल्दी हैं, लेकिन अगर इन चारों में किसी का भी सिक्रीशन ज्यादा हो गया तो हम कहेंगे हेल्दी नहीं है। ऐसे व्यक्ति के बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, और ऐसे व्यक्ति हॉट पर्सनालिटी होते हैं। हॉट पर्सनालिटी जिसे आज मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं कि बड़ा हॉट दिखता है, वो हॉट नहीं है। यहाँ हॉट पर्सनालिटी मतलब वो व्यक्ति अनहेल्दी है, उसको कोई प्रॉब्लम है। तो ये ब्लैक बाइल डिजीज है जिसका जिक्र किया गया है। ये हिपोक्रेट्स जो है ये ग्रीक फिलोसफर है, मतलब इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन तो जरूर कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है जो आप पढ़ रहे हैं, ये अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है जिसे दिया गया और इसे इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ने सपोर्ट भी किया। सबसे खास बात यह है, और इन्हें कहा हिपोक्रेट्स ने कहा कि अगर ये ब्लैक बाइल ज्यादा रिलीज होता है तो ऐसे व्यक्ति को हॉट पर्सनैलिटी और बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है और व्यक्ति हॉट पर्सनैलिटी का होता है। एक बात इन्होंने और लिखा, ये देखिए हेल्थ इज अफेक्टेड बाई स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। ये भी एनसीईआरटी कहती है कि अगर स्वास्थ्य जो है उसे स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड जो है प्रभावित करते हैं। इन्होंने ये कहा कि जिस व्यक्ति में ब्लैक बाइल ज्यादा होता है उस व्यक्ति को हॉट पर्सनालिटी और होती है, मतलब पर्सनालिटी हॉट होती है, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है। बाद में ये साइंटिस्ट देखिए, आपने इनका नाम सुना होगा, ये नाम है विलियम हार्वे ने चैलेंज कर लिया कॉन्सेप्ट ऑफ हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स के कॉन्सेप्ट को इन्होंने चैलेंज कर दिया, कहा नहीं आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी व्यक्ति में अगर ब्लैक बाइल ज्यादा रिलीज हो रहा है तो वो व्यक्ति जो है
अनहेल्दी है। इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, किसी का बॉडी टेम्परेचर अगर ज्यादा है ब्लैक बाइल के रिलीज होने से, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। विलियम हार्वे ने सबसे पहले स्टडीड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन बॉडी, बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को सबसे पहले क्लियर करने वाला आदमी विलियम हार्वे है। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। विलियम हार्वे ने काम किया, ही मेजर्स, उन्होंने क्या काम किया देखें, ही मेजर्स टेम्परेचर ऑफ मेनी पीपल्स, उन्होंने ढेर सारे लोगों के बॉडी का टेम्परेचर जो है, बॉडी के टेम्परेचर को मेजर किया और ये पता किया कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है किसी भी व्यक्ति का, वो 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप समझें, इस बात को समझें कि जो ब्लैक बाइल कॉन्सेप्ट है जिसे हिपोक्रेट्स जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, हिपोक्रेट्स कह रहे हैं कि ये जो ब्लैक बाइल का सिक्रीशन से, ज्यादा सिक्रीशन से हॉट पर्सनालिटी होती है, फीवर हाई हो जाता है व्यक्ति को, ऐसा कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमने ढेर सारे लोगों की बॉडी के टेम्परेचर को जो है हमने एक्सप्लेन किया, हमने चेक किया, पता किया और ज्यादातर लोगों के बॉडी का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो ह्यूमन है वो होम्योथर्मिक होता है। होम्योथर्मिक मतलब जिनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। या वार्म ब्लडेड होता है। इस तरह से विलियम हार्वे ने हिपोक्रेट्स के इस ब्लैक बाइल वाले कॉन्सेप्ट को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया और इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है ये सही नहीं बैठा। यहाँ पर ह्यूमर का सेंस आप समझ लें, ह्यूमर का मतलब ये चार चीजें हैं जो बॉडी में अगर बैलेंस्ड है तो व्यक्ति जो है हेल्दी है, ये डिफिनेशन जो है। और अगर ये चार चीजों में कोई भी चीज बढ़ जाती है या घट जाती है तो बॉडी क्या है, अनहेल्दी है, बॉडी ठीक नहीं है। और बॉडी को स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड दोनों अफेक्ट करते हैं। एक बात आप और ध्यान रखेंगे, विलियम हार्वे ने हिपोक्रेट्स के कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया, उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन हर बॉडी व्यक्ति के चैलेंज चेक किया और उन्होंने ढेर सारे लोगों के बॉडी के टेम्परेचर को चेक करके ये बताया कि बॉडी का जो टेम्परेचर है 36 से 37 डिग्री सेल्सियस है, ये किसी येलो बाइल या किसी ब्लैक बाइल के हाई सिक्रीशन के कारण नहीं होता है। ये सबसे पहली बात आती है। अब ये जो हेल्थ के डिफिनेशन है ये क्लासिकल डिफिनेशन है, मतलब ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप ये समझें कि ये कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ है। आइए हम आपको नया कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, हेल्थ की डिफिनेशन देते हैं। WHO ने हेल्थ की क्या डिफिनेशन दी, अब इसे आप देखते हैं, मतलब लेटेस्ट जो हेल्थ की डिफिनेशन है वो क्या है। अगर आप लेटेस्ट हेल्थ की डिफिनेशन देखते हैं तो ये लिखा जाता है a state of complete physical, पहला हो गया physical, social and mental well-being, मतलब हेल्थी उसे व्यक्ति को कहा जाएगा, स्वास्थ्य उसी व्यक्ति का सही है जिसकी तीनों चीजें बैलेंस हो, पहली फिजिकली फिट हो, दूसरा सोशली फिट हो और तीसरा मेंटली फिट हो। अगर तीनों चीज में कुछ भी गड़बड़ है तो व्यक्ति फिट नहीं है। कोई इसी व्यक्ति का पैर है विकलांग है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, अगर आप इसे एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ पर फिजिकल का मतलब क्या है, फिजिकल में कोई व्यक्ति कब अनफिट है, जैसे अगर वो व्यक्ति जो है फिजिकली डिसेबल्ड हो, मान लीजिए कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसको फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, तो ये मान के चलिए कोई व्यक्ति अनहेल्दी है, किसी का पैर खराब है, किसी का हाथ खराब है, किसी की आंख खराब है, कोई व्यक्ति ब्लाइंड है, कोई व्यक्ति जो है
मतलब इस तरह की जो उसको प्रॉब्लम है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ब्लाइंड है, तो व्यक्ति हेल्दी नहीं है ये कहना चाहते हैं, या कोई उसका आर्गन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तब भी ऐसा होगा। अगर आप सोशली देखें तो सोशली भी तीन तरह के लोग हैं। सोशली अगर आप देखें तो एक लोग होते हैं जिसे एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, ये वो लोग हैं जो जहां पर आप देखेंगे चिल्लाते रहते हैं, ये लोग फिट नहीं है, स्वास्थ्य इनका सही नहीं है। एक दूसरे होते इंट्रोवर्ट होते हैं, ये बोलते ही नहीं है, कुछ भी हो जाए ये बात ही नहीं करते हैं, ये भी स्वास्थ्य इनका सही नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं जो एम्बीवर्ट हैं, ये लोग फिजिकली जो है सोशली सबसे फिट होते हैं, जरूरत पड़ने बोलते हैं, जरूरत पड़ने पर नहीं बोलते हैं। तो अगर आप देखें तो सोशली वही फिट व्यक्ति है जो एम्बीवर्ट है। इंट्रोवर्ट जैसा आपने पढ़ा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो इंट्रोवर्ट जो है बहुत फिट नहीं माने जाते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत बड़बड़ाते हैं ये भी फिट नहीं माने जाते हैं, लेकिन एम्बीवर्ट सबसे अच्छी पर्सनालिटी होते हैं। मेंटल की बात किया जाए, अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल का मतलब क्या है, ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई व्यक्ति साइकिक है, ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर है, मान लीजिए कोई व्यक्ति साइकिक है, तो वो व्यक्ति मतलब साइकिक है मान लेते हैं, साइकिक है, कोई व्यक्ति हाइपर है, तो ऐसा व्यक्ति भी फिट नहीं है, वो व्यक्ति सही नहीं है। मतलब ये सारी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस पे व्यक्ति फिट नहीं बैठता है। ये देखिए, इसीलिए इन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अब्सेंस ऑफ डिजीज को हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति हेल्दी है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। किसी व्यक्ति को अगर कोई डिजीज नहीं है तो जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। उसको कोई और प्रॉब्लम हो, साइकिक हो, हाइपर हो, उसको ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप देखें एडवांटेज ऑफ हेल्थ क्या है, अगर आप हेल्थ का एडवांटेज देखें तो एडवांटेज ऑफ हेल्थ क्या है, अगर आप हेल्थ के एडवांटेज देखें तो इनसेट ने लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो क्या अच्छा कर सकता है। आप एनसीईआरटी मिला लें और एनसीईआरटी पे एग्जैक्ट कहीं लिखा हुआ है। एडवांटेज ऑफ हेल्थ अगर आप देखें तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि वो व्यक्ति जो है उसमें देखिए इफिशियंट एट वर्क होगा, वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो ये देखिए लिखा है इफिशियंट एट वर्क, वो अपना काम अच्छे से कर सकता है। ये देखिए इफिशियंट एट वर्क। फिर देखिए प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, उसकी प्रोडक्टिव आदमी होगा, खूब मेहनत से काम करेगा, प्रोडक्टिविटी होगी एंड अच्छे से काम करेगा, प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अगर वो अच्छे से काम करेगा, मेहनत से काम करेगा तो उसको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, उसको खूब सारे पैसे मिलेंगे। ये बात भी अपनी जगह पर सही है। आर्थिक युग है, अगर कोई भी स्वस्थ है, फिजिकली भी फिट है, सोशली भी फिट है और मेंटली फिट है, तो वो अपना काम अच्छे से करेगा और काम करेगा तो प्रोडक्टिव ज्यादा होगा। आपने देखा तमाम लोग 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं। एंड ब्रिक्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, 20 घंटे काम करने वाला आदमी ठीक नहीं होता है, कम से कम एटलीस्ट 6 आवर्स लोगों को नींद लेनी चाहिए, नहीं तो बीमार हो जाते हैं। अगला देखें इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ। ये देखिए इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, ये जो है जीवन को, जो आयु है, जो जीवन है हमारी, उस जीवन के टाइम को, हमारे रहने की जो जीवी जो टाइम है, मतलब हमारा जो लाइफ स्पैन है उसे बढ़ा देता है। आप कह सकते हैं सर हमारी जो लाइफ स्पैन है उसे एक अच्छा स्वास्थ्य बढ़ा देता है। अगर आपको रोग नहीं हो रहे हैं, इन्फेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके जो जीवन का जीने का जो टाइम है, जाहिर सी बात है वो बढ़ जाएगी, आपकी लाइफ स्पैन ज्यादा होगी। इसके बाद आप देखें, ये देखिए एनसीईआरटी कहती है रिड्यूसेस मदर का मैटरनल एंड नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट। नियोनेटल कहते हैं उस बच्चे को जो नया पैदा हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी है, नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट। मतलब यह हुआ कि अगर कोई बच्चा स्वस्थ है, मां स्वस्थ है, तो ये देखिए उस बच्चे को या माँ के मरने के जो चांसेस है वो काफी कम होंगे। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट मतलब मातृत्व मृत्यु दर, जब कोई मदर मरती है तो उसे मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं, और कोई न्यू बॉर्न बेबी मरता है तो उसे नेटल मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो एनसीईआरटी ने
टोटल पांच तरह के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कि हेल्थ के डिवीज अगर किसी व्यक्ति की हेल्थ अच्छी है तो उसको ये सारे प्रॉफिट हो सकते हैं, मतलब ये चीजें उसको प्रभावित कर सकती हैं, ये सारी चीजें अफेक्ट करेंगी और व्यक्ति स्वस्थ है तो वो इफिशियंट एट वर्क होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ में, रिड्यूसेस मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट। अब आप इधर देखें, अगर आप देखें तो यहाँ एनसीईआरटी कहती है कि हेल्थ इज अफेक्टेड बाई, ये देखिए हेल्थ इज अफेक्टेड बाई, हेल्थ को कौन कौन लोग अफेक्ट कर रहे हैं, अफेक्टेड बाई, ये देखिए हेल्थ इज अफेक्टेड बाई, सबसे पहला अगर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है तो वो है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर उसे कहते हैं जो फ्रॉम बर्थ होते हैं, आफ्टर बर्थ नहीं होते, ये देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर, चाहे इसे जेनेटिक डिसऑर्डर ही कहना जाता है, मतलब देखिए डिसऑर्डर्स या डिसएबिलिटी या इनएबिलिटी, डिसऑर्डर्स या इनएबिलिटी ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, माँ बाप से कभी कभी तमाम तरह के डिसऑर्डर हैं जो ट्रांसफर हो जाते हैं और बच्चे में तमाम तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं। इसे अगर आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं, एग्जांपल अगर आप चाहें लिख सकते हैं, ये देखिए एक सिंड्रोम होता है डाउन सिंड्रोम होता है, बच्चे को हो जाता है डाउन सिंड्रोम होता है, और देखिए और एक नाम देख लीजिए सिकल सेल एनीमिया है, आपने पढ़ा होगा एक्स लिंक डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया है, और देखिए ये मतलब बहुत सारे डिजीजेस हैं, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। ये देखिए तो पहला फैक्टर है जेनेटिक डिसऑर्डर जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, तमाम लोग जेनेटिकली डिसऑर्डर डिस्टर्ब होते हैं, तो ये पहला फैक्टर हो गया। अगर आप इसका दूसरा फैक्टर देखें इन्फेक्शंस, जैसे अभी आप देखिए इन्फेक्शंस में आप एकदम स्वस्थ व्यक्ति हैं, लेकिन अभी देखिए इस पूरी दुनिया झेल रही है कोविड-19 से, कोई आपको इन्फेक्शन हो गया, आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, आपको स्वाइन फ्लू हो गई या आपको कोई और कॉमन कोल्ड हो गया, कुछ भी हो सकता है, इन्फेक्शन दूसरा कारण है, ये आफ्टर बर्थ होता है, बिफोर फ्रॉम बर्थ भी हो सकता है, और तीसरा जो है डिफिशियंट डिसऑर्डर है, डिफिशियंट डिसऑर्डर मतलब ये हुआ आप ऐसे समझें कि मान लीजिए जैसे आपका लाइफ स्टाइल क्या है, लाइफ स्टाइल कैसी है, आप कितने जैसे अब बैचलर्स हैं, अगर आप बैचलर लाइफ ले रहे हैं, बहुत गंदी लाइफ स्टाइल है, तमाम लोग स्लम में रहते हैं, गंदी स्थितियों में रहते हैं, तो उन लोगों को तमाम तरह के इन्फेक्शन होते रहते हैं, तो सबसे पहले लाइफ स्टाइल लोगों को प्रभावित करती है। अगर आप साफ कपड़े पहनते हैं, साफ खाना खाते हैं, साफ सुथरी खाना खाते हैं, तो आपको इन्फेक्शन होने का चांस या आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी। दूसरा देखिए फूड हैबिट्स, एक ये भी बहुत बड़ा कारण है किसी एक व्यक्ति के इन्फेक्टेड होने का। आजकल आप जानते हैं तमाम फूड आते हैं, जैसे अगर आप फूड हैबिट्स में देख लें, जैसे मान लीजिए आप खाते हैं कि पिज्जा खाते हैं, ये देखिए पिज्जा खाते हैं, आप बर्गर खाते हैं, तो ये सारी चीजें अगर रेगुलर कोई खा रहा है तो उसको व्यक्ति को तमाम तरह की प्रॉब्लम शुरू होगी, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या उसको जो है इंटेस्टाइनल कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, फूड हैबिट्स हो गई। वाटर अगर आप यात्रा कर रहे हैं, आप गंदा खाना पानी पी रहे हैं, फूड अगर आप कोई बेकार सा खाना खा रहे हैं, तो इन केसेस में आपका हेल्थ अफेक्टेड होता है। तो ये कहते हैं कि हेल्थ जो है वो अफेक्टेड होता है किससे किससे, इफिशियंट हेल्थ जो है अफेक्टेड होता है जेनेटिक डिसऑर्डर से, इन्फेक्शन से, और जो है डिफिशियंट डिसऑर्डर, तमाम तरह के डिसऑर्डर हैं जो डिफिशियंट होते हैं जिससे तमाम तरह की नुकसान होती है। अगर आप देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट अगर आप देखें तो ट्रीटमेंट ये है कि आप एक तो रेगुलर एक्सरसाइज करें, सबसे आसान सी बात है कि आप रोज रेगुलर एक्सरसाइज करें, सबसे पहला काम रेगुलर एक्सरसाइज करें, और दूसरा आप योगा करें। योगा जो है उसे आप जानते हैं पूरी दुनिया योगा आपको फिजिकली और मेंटली दोनों फिट रखता है, फिजिकली भी फिट रखता है और मेंटली भी फिट रखता है, मतलब योगा करने से आप दोनों तरह से फिट हो सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं, ये आपकी एनसीईआरटी कहती है। योगा क्या है, योगा जो है खास तरह के तमाम तरह के जो है अलग अलग प्राणायाम होते हैं,
आप बाबा रामदेव से सीख ही रहे होंगे, तो इसमें फिजिकली और मेंटली आपको फिट रखता है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें, साफ सुथरा खाना खाएं, अच्छी लाइफ स्टाइल होगी तो आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और मेरे हिसाब से तब आप काफी स्वस्थ होंगे। ये ध्यान रखना है आपको। बेटा देखिए, डिजीज किसे कहते हैं, मतलब किसे रोग कहा जाएगा, डिजीज क्या है? तो डिजीज की डिफिनेशन देखिए कितनी परफेक्ट डिफिनेशन है कि एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट ऑफ बॉडी दैट इम्पेयर्स या डिसेबिलिटी या डिसकंफर्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिजीज। मतलब आपके शरीर में अगर कोई भी इस तरह का परिवर्तन हो नॉर्मल स्टेट के आगे पीछे, जिससे इम्पेयरमेंट हो जाए, डिसेबिलिटी हो जाए, डिसकंफर्टेबिलिटी हो जाए, तब हम आप कहेंगे सर आपको डिजीज हो गई है। मतलब अगर आप नॉर्मल, आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, आप खुश हैं, कूद रहे हैं, मस्ती से पबजी चला रहे हैं, पबजी गेम खेल रहे हैं, लेकिन एकाएक अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 39-40 हो जाता है तो आप कहते हैं सबको फीवर हो गया। वही टेम्परेचर का डाउन हो जाता है 37 से कम भी होता है तब भी हम कहते हैं सर गड़बड़ हो गया है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है। हमारी रिस्पिरेटरी रेट 12 से 16 बार पर मिनट, हम 12-16 टाइम्स पर मिनट लेते हैं। अगर यही ब्रीदिंग रेट बढ़ जाए तब भी प्रॉब्लम, ब्रीदिंग रेट घट जाए तब भी प्रॉब्लम। हार्ट बीट आप देखिए 72 टाइम्स है, अगर ये 80-90 के ऊपर जाती थे, 90 के ऊपर जाती थे हम कहते हैं टेकीकार्डिया है, 60 से कम हो जाती है हम कहते हैं ब्रेडीकार्डिया है। मतलब कितनी परफेक्ट लाइन है अगर आप समझें कि एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट ऑफ बॉडी दैट इम्पेयर्स, जो गड़बड़ कर दे, डिसेबिलिटी डिस्कम्फर्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिजीज। अगर कोई इस तरह का इम्पेयरमेंट होता है तो हम इसे डिजीज कहते हैं। दूसरा देखिए, पैथोजन किसे कहते हैं, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको सीखना है। मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि पैथोजन कैसे कहते हैं, इस पैथोजन की डिफिनेशन एनसीईआरटी दिया हुआ है, तो अब आपको मैं एनसीईआरटी एक्सपर्ट बना रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप इसके बाद सीख जाए। पैथोजन मतलब ये हुआ डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स, ये देखिए डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। मतलब इज कॉल्ड पैथोजन वो चीज जिससे आपको डिजीज हो रही है, जिससे हो रही डिजीज उसे हम पैथोजन कह सकते हैं, पैथोजन कहते हैं। इसीलिए अगर आप देखिए तो एक शब्द होता है पैथोलॉजी टर्म होता है, पैथोलॉजी होती है। पैथोलॉजी में आप क्या करते हैं, कभी आपने ध्यान दिया, आप वहां पर स्टडी ऑफ डिजीज देखते हैं। अगर आप स्टडी ऑफ डिजीज पढ़ रहे हैं तो साइंस की इस ब्रांच को हम लोग पैथोलॉजी कहते हैं, साइंस के ब्रांच को लोग क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। और भी कुछ कुछ शब्द हैं, देखिए आपसे कभी कोई पूछेगा प्रोफाइल एक्सिस क्या है, मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि भाई प्रोफाइल एक्सिस क्या है, मेडिकल साइंस में ये टर्म है जो आपको आनी चाहिए। तो प्रोफाइल एक्सिस मतलब सिंपल सा आप सोचिए, प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ डिजीज। अभी आप देखिए कोविड-19 का समय चल रहा है, आप क्या करते हैं, मास्क लगाते हैं और सारी चीजें आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक तरह का प्रोफाइलेक्सिस होती है जो आपको आप समझना है, आपको सीखना है। प्रोफाइलेक्सिस हो गया। मान लीजिए आपने किसी ने कहा कि सर एपिडेमियोलॉजी क्या है, मान लीजिए आपने किसी ने आपसे कहा कि सर एपिडेमियोलॉजी क्या है, तो एपिडेमियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ काज एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज। मतलब डिजीज के काज कैसे हो रहे हैं, वो फैल कैसे रही है, इन सारी चीजों की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम लोग एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। दो चीजों की इसमें स्टडी हो रही है, डिजीज हो क्यों रही है और वो स्प्रेड कैसे हो रही है। इसी तरह से एक टर्म और है जिसे आप इटियोलॉजी कहते हैं। तो अगर आप इटियोलॉजी देखें तो इटियोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ काज ऑफ डिजीज। इसमें से केवल कॉज ऑफ डिजीज को ही पढ़ा जाता है, इसमें स्प्रेड को नहीं पढ़ा जाता है। तो देखिए स्टडी ऑफ काज ऑफ डिजीज, ये भी एक टर्म है जो आपको सीखना है, इटियोलॉजी। ये छोटे छोटे शब्द हैं जो आपको अगर आ जाते हैं तो बाद में पढ़ना पढ़ाना आसान काम हो जाता है। इसके सिवा आपको दो शब्द और सीखने हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, एक शब्द है इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ये देखिए। तो इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं टाइम फ्रॉम इन्फेक्शन टू अपियरेंस ऑफ सिम्टम
आपको जिस दिन इन्फेक्शन होता है बहुत रेयरली उस दिन सिम्टम आते हैं, अपियरेंस ऑफ सिम्टम। मतलब आप समझे कि आज मान लीजिए जैसे COVID-19 का आप देखिए, तो COVID-19 में कितने दिन आपको रखा जाता है, उसमें क्वारंटाइन करते हैं, नया बेबी आया है तो क्वारंटाइन कितने दिन करते हैं, 14 दिन का। मतलब इन्फेक्शन के 14वें दिन तक भी आपको सिम्टम दिखाई पड़ते हैं, इस टाइम को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इसी तरह से एक पीरियड और होता है जिसे हम लोग विंडो पीरियड कहते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा विंडो पीरियड क्या होता है, तो विंडो पीरियड उसे कहते हैं, ये देखिए टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम इन्फेक्शन टू डिटेक्शन इन लेबोरेटरी। अगर लैब में आपने उसको डिटेक्ट किया, समझा बूझा, जैसे आप टेस्ट कराने जाते हैं तो जिस दिन टेस्ट में आप उसे पकड़ लेते हैं और जिस दिन से इन्फेक्शन होता है उसके बीच का जो टाइम होता है उसे हम लोग विंडो पीरियड कहते हैं। सिम्टम जिस दिन दिखता है इन्फेक्शन से सिम्टम तक के बीच के समय को इंक्यूबेशन पीरियड, और इन्फेक्शन से उसके डिटेक्शन के तक का टाइम जो होता है उसे हम विंडो पीरियड कहते हैं। अगर आप टाइप्स ऑफ डिजीज देखें, एनसीईआरटी ने 2 डिजीज लिखी है। अगर आप टाइप्स ऑफ डिजीज देखते हैं तो एनसीईआरटी ने 2 तरह के लिखा है। पहले डिजीज देखिए, पहला लिखा है इन्फेक्शियस डिजीजेस, ये पहला टाइप लिखा है एनसीईआरटी ने, इन्फेक्शियस डिजीजेस लिखा है। तो आप थोड़ा सा इन्फेक्शियस डिजीज देख लें। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब दैट कैन इजली ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वो डिजीज जो एक फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यही एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब वो रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बड़े आसानी से हो जाते हैं उन्हें हम लोग इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं। अभी जैसे COVID-19 क्या है, इन्फेक्शियस डिजीजेस है। एनसीईआरटी ने इसका जो एग्जाम्पल लिखा है वो HIV लिखा है। HIV देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, STD है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही फैलती है। अगर एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है और दूसरा नॉर्मल है तो जो डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़े आसानी से फैल जाती है उसे इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। दूसरा देखिए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मतलब ये हुआ, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब हुआ, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब हुआ दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ऐसे डिजीज जो ट्रांसफर नहीं की जा सकती है उसे हम लोग कहते हैं कि सर ये जो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने इसका कैंसर लिखा है। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है तो ये कैंसर दूसरे व्यक्ति को उससे फैल नहीं सकता है। तो अगर आप देखें तो इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस 2 तरह डिजीजेज हैं। इन्फेक्शियस वो डिजीजेज हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकती है, और दूसरी जो है वो देखिए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है जो आसानी से फैल नहीं सकती है। एनसीईआरटी ने कहा ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज, मतलब अगर कोई एक तो यूज होता है, एक शब्द एब्यूज होता है। यूज होता है जब उसका संतुलित आप इस्तेमाल करें, संभाल के इस्तेमाल करें, जितनी आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपने उससे ज्यादा उसका इस्तेमाल किया या आपने इतना इस्तेमाल करिए कि आपको जो है आदत पड़ गई, लत लग गई, तब आप कहते हैं कि ये एब्यूज हो गया। ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज अफेक्ट बॉडी एडवर्सली। अगर कोई व्यक्ति लगातार ड्रग्स ले रहा है, रोज एल्कोहल पीता है, तो इस व्यक्ति के बॉडी का जो हेल्थ है, जो बॉडी है, उसको बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं ड्रग और एल्कोहल के एब्यूज। इसलिए ड्रग और एल्कोहल से व्यक्ति को बचना चाहिए, इवन टोबैको भी नहीं लेना चाहिए, सब हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। एनसीईआरटी में जो जो शब्द जहां जहां लिखे हैं वो सारे टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से आनी चाहिए।